यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो वेलकम बैक आप सभी का इस ब्रांड न्यू सी वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ट्राइडेंट फार्म। आपको पता है ट्राइडेंट कितना ज्यादा यूजफुल है और उसका हम रिप्टाइड लगा के उड़ भी सकता है और लॉयलिटी सूट को फेंक भी सकते हैं जिसके वापस आ जाए। और आज हम वही बनाने वाले हैं, तो चलो चर्च के अंदर देखते कितना सामान है। तो आपको देखो इतना ही सामान लगने वाला है पूरा फार्म बनाने के लिए। और जो लास्ट में आपको दिख रहा है स्मूथ स्टोन, आपको ये 500 प्लस लगने वाला है। और चलो अभी चर्च को यहाँ से बंद करते हैं और इसको तोड़ के आपको कोई बेटर लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पर हम इस फार्म को बनाएंगे। तो चलो आपको सिंपल आपको एक बड़े से ओशन के अंदर आ जाना है जिसके मैं जा रहा हूँ अंदर। और थोड़ा सा अंदर चलते हैं और यहाँ पर जन्म सकते हैं क्योंकि थोड़ा दूर तो मतलब होना ही चाहिए फार्म के लिए क्योंकि उसके जो रेट्स होते हैं वो कम पड़ जाते हैं कभी कभी। चलो अभी यहाँ पर हम एक ब्लॉक प्लेस करते हैं, उसके ऊपर खड़े होके आप देखो ब्लॉक को नोट करो। देखो यहाँ पर 63 अवेलेबल मेरा, अगर मुझे जाने 163 पर। तो चले चलते हैं। टावर बिल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको एक 5x5 का छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देना है जैसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। और जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म को बना रहा हूँ तब तक आप प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है और फाइनली अपना वीडियो भी आ चुका है। तो इसकी खुशी की वजह से तो भाई प्लीज़ लाइक तो बनता है। और इस वीडियो को टारगेट मैं रख रहा हूँ लाइक का, तो आपको इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स कंप्लीट करके देने हैं। मैंने फर्स्ट टाइम टारगेट रखा गाइस, तो प्लीज़ गाइस इस टारगेट को कंप्लीट भी कर दो। तो चलो अभी यहाँ पर आपको मैं जैसे बना रहा हूँ जस्ट प्लेस करके उसको हॉपर कनेक्ट कर देना है। उसके ऊपर एक सिंपल छोटा सा स्लैब प्लेस करना है और उसके बाद आपको एक यहाँ पर ग्लास लेना है और ग्लास को उसको आराम से इसे आसपास पूरा कवर कर देना है, यहाँ पर भी लगा देना है इसे। और चलो अभी चलते हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर से भी इसको एक और लेयर एक्सटेंड कर देनी है जिसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और आपको रुको यहाँ पर जाके इस ब्लॉक को तोड़ देना है जो भी ग्लास है उसको, क्योंकि वहाँ पर हम जो भी होते हैं ड्राउंस वगैरह उनको मारने के लिए होने वाला है, यहाँ से हम उसको इजीली मार सकते हैं। और देखो यहाँ से आपको और ऊपर आ जाना है, ये जो है इसको भी तोड़ देना है। यहाँ पर आपको डिस्पेंसर प्लेस करके साइड में जाके यहाँ पर एक बटन भी प्लेस कर देना है उसको, जिससे कि वो मतलब पावर वो उसको रिटर्निंग कर देते हैं यहाँ से सिंपली। चलते भी ऊपर और इसके ऊपर और एक लेयर एक्सटेंड कर देते हैं ग्लास की, इसकी जिससे कि मतलब हम यहाँ पर देख पाए कि ड्रम्स आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं प्रॉपरली। चलो भी इतना होने के बाद आपको यहाँ पर जो भी टावर हमने बनाए इसके ऊपर ऊपर नीचे जाने के लिए यहाँ पर लैडर का सिस्टम भी बना देते हैं जिससे कि ऊपर हम इजीली आ पाए। तो चलिए बनाते हैं और मिलते हैं आपको 2 मिनट के अंदर। फाइनली गाइज मैंने लैडर तो प्लेस कर दिया है अभी यहाँ पर। और इतना होने का चलते हैं यहाँ पर एक बार ऊपर और एक ग्लास के ऊपर आपको जाना है। यहाँ से आपको कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स लेने हैं आपके और 13 ब्लॉक्स आपको इसको एक्सटेंड करना है ऊपर की तरफ। ये तो हो गया 13 ब्लॉक्स और आपको सेम टू सेम ऐसे चारों साइड से भी कर देना है, मतलब तीनों साइड से बची हुई। और अभी चलो ये भी हो गया। और इसके बाद आपको साइन बोर्ड भी प्लेस कर देना है यहाँ पर। साइन बोर्ड प्लेस होने के बाद आपको यहाँ पर 5 ब्लॉक और एक्सटेंड करना है ऊपर जिसके मैं कर, आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है। चलो अभी यहाँ पर ये भी होने वाले हैं। चलो ये तो हो गया। और यहाँ पर आपको एक वाटर बकेट का प्लेस मतलब वाटर बकेट प्लेस कर देना है और उसके बाद आपको 6 ब्लॉक और एक्सटेंड करना है। और ये लास्ट टाइम है क्योंकि तब ये लास्ट टाइम कर रहे हैं हम एक्सटेंड हो भी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही हो गया है। चलो ये तो हो गया। और इतना होने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और ये हमने पूरा इसको एक्सटेंड तो कर लिया है अभी। और यहाँ पर आपको 6 ब्लॉक और साइड से एक्सटेंड कर लेना है। चलो ये हो गए। और आपको चारों साइड से सेम टू सेम ऐसे ही करना है। चलो इस साइड से भी करते हैं और सेम टू सेम इस साइड से भी और मतलब बची हुई जो भी साइड से आपको सब चारों तरफ से ऐसे करना है। चलो लास्ट टाइम से भी कर लेते हैं। इतना होने के बाद आपको अभी आपको उसको पूरा फिल भी करना है। तो चलिए गाइस मैं फिल करता हूँ इसको और मिलते हैं 2 मिनट में। इतना होने के बाद गाइस आपको सिंपली ये उसे ऊपर आ जाना है, मैंने सारा फिल कर तो दिया है। और अभी आपको उसे कोई भी कोने पे जाना है, यहाँ पर आपको टेम्प्रेरी ब्लॉक प्लेस करके उसके आसपास आपको थोड़ा सा इसे बना लेना है और टेम्प्रेरी ब्लॉक को हटा देना है यहाँ से। और चलो अभी इसको पूरा फिल कर लेते हैं चारों तरफ से जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, आपको सेम टू सेम वैसे ही फिल करना है। चलो ये तो हो गया गाइस अभी पूरा फिल।
और इतना होने के बाद आपको जो भी सेम टू सेम आपने जैसे नीचे किया था 6 ब्लॉक एक्सटेंड किए थे वैसे आपको यहाँ से एक्सटेंड करना है। चलो ये 6 हो गया यहाँ से एक्सटेंड, आप चाहो तो गिन भी सकते हो इसको पूरा। और चलो भी यहाँ पर भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं उसको 6 ब्लॉक और चलते और तीसरी साइड पर इससे भी एक्सटेंड कर लेते यहाँ से। अभी दूसरी साइड पर चलते और भाई साहब बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत तो बहुत ज़्यादा है पर इसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा है। चलते भी ऊपर और अभी इसको भी हमको पूरा फिल करना है तो भाई इसमें तो हाथ बहुत दुखने वाला है। तो चलो भी कैसे इसको फिल और मिलते हैं 2 मिनट के अंदर। गाइस मैं इसको पूरा फिल तो कर दिया अभी हो गया। और अभी आपको देखो सेम टू सेम हमने जैसे लास्ट टाइम किया था आपको एक कोने पे आ जाना है यहाँ पर जिसके मैं आ रहा हूँ यहाँ पर कोने पे आपको एक ब्लॉक प्लेस करके यहाँ पर आपको सिंपली जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ऐसे कर देना है। इसको तोड़ लेते हैं यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं और चलो अभी इसको पूरा फिल करते हैं चारों तरफ से और मिलते हैं आपको 2 मिनट के अंदर। चलो उसको मैंने फिल तो कर दिया है अभी और अभी देखो इतना फिल होने के बाद आपको सिंपली इसके अंदर आ जाना है और ये जो सेंटर वाला ब्लॉक जो है उसके आसपास आपको इसको तोड़ लेना है। चलो अभी इसको तोड़ लेते हैं और एक गलती से ब्लॉक टूट गया था इसको तोड़ लग रहे थे फिर से। चलो अभी यहाँ पर हमको इसे कुछ इसको फिल कर देना है जिसके मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको स्टेयर्स को प्लेस कर देना है सिंपली कुछ ऐसे जहाँ पर हम मतलब यहाँ से हम जो भी मॉन्स्टर्स वगैरह है वो नीचे जाने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर अभी एक टेम्पररी ब्लॉक प्लेस करके उसके ऊपर फेंस गेट प्लेस करते हैं वो हटाते ब्लॉक को उसको ओपन कर लगा। चलो अभी इतना होने के बाद आपको फिर साइड में आ जाना है और यहाँ पर आपको मैं जैसे स्टेयर्स प्लेस करो आपको सेम टू सेम वैसे स्टेयर्स प्लेस करने हैं और ये स्टेयर्स आपको पूरी मतलब चारों तरफ जो भी वॉल है उसके ऊपर आपको प्लेस कर देना है। तो चलो इसको प्लेस कर दो और आपको मिलता हूँ मैं 2 मिनट के अंदर। तो फाइनली गाइस मैंने सारे स्टेयर्स को प्लेस तो कर दिया अभी यहाँ पर और अभी चलते थोड़ा सा साइड में और देखो यहाँ पर आने के बाद ना आपको ऐसे थोड़ा साइड में आ जाना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बना लेना थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हो। तो फर्स्ट इसको मैं पूरा बना लेता हूँ यहाँ से। चलो ये तो हो गया और अभी दूसरी साइड से भी बनाते हैं इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। चलो इतना भी हो गया और इसके बाद अभी सेंटर में आपको 2 बकेट ऐसे साइड में कॉर्नर वार्नर प्लेस कर देने हैं। इसके बाद अभी पूरा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है मतलब अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है। चलो अभी इसको ट्राई करते हैं। तो देखो ये तो है पूरा परफेक्टली बन चुका है। अभी हम जो भी स्टेयर्स है उसके अंदर हमको वाटर फिल करना है इस तरीके से और चलते भी पूरा वाटर फिल कर लेते हैं चारों साइड में जितने भी स्टेयर्स लगे उसके ऊपर और फिर मिलते हम 2 मिनट के अंदर। तो फाइनली गाइस सारा वाटर तो हमने फिल कर लिया है और अब देख सकते हो अभी पूरा वाटर सेंटर में आकर रुक रहा है और यहाँ पर आपको एक बार ट्राई भी करके देखना है कि आप अंदर जा रहे हो या नहीं या फिर मतलब नहीं जा रहे हो। तो ये फाइनली पूरा परफेक्टली तो बन चुका है जो भी मॉन्स्टर वगैरह पर स्पॉन होगा वो नीचे चला जाएगा। तो चलो अभी यहाँ पर आके हमको इसको पकड़ना है। गलती से मैंने दूसरे ब्लॉक लगा दिया। चलो इसको तोड़ लेते हैं पूरा अभी थोड़ा सा बचे। और गाइस प्लीज़ अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन कॉल पे सेट ज़रूर से करना। तो फाइनली गाइस अपना अभी पूरा फार्म जो है वो पूरा बन चुका है। आपको सिंपली नीचे आ जाना है और रात होने का वेट करना है। जैसे रात होती है वैसे आप ड्रोन स्पॉन होने लग जाएंगे। तो चलो मैं रात करता हूँ मतलब रात करता हूँ और फिर मिलते हैं हम आपको 2 मिनट के अंदर। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर रात तो कर दिया है और अभी मैंने शॉर्ट के ऊपर लूटिंग 3 की एन्चेंटमेंट भी लगा दिया है और अभी ड्राउन देखो मतलब ड्राउन तो आने लग गया भाई साहब बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा ड्राउन। चलो इनको एक बार मार देता हूँ और गाइस इनसे एक्सपी भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। चलो भी फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम इनको नॉटलेस शेल मिल चुका है। इसको रखते भी डिस्पेंसर के अंदर और यहाँ पर जो बटन है इसको प्रेस करके आप मतलब उसको थ्रो भी कर सकते हो जैसे कि कोई भी ट्राइडेंट वाला जो ड्राउन है मतलब चांसेस कम होते हैं क्योंकि ड्राउन मतलब शेल को उठा लेता है और उसका ट्राइडेंट है जो कि मतलब वो ड्रॉप कर देता है। जैसे कि अभी यहाँ पर 2 ट्राइडेंट वाले ड्राउन आ चुके हैं। इनमें से कोई एक हो सकता है जो कि ड्रॉप करेगा
या फिर कोई भी नहीं हो सकता। चलो गाइस, इसमें से कोई भी नहीं है जो कि ट्राइडेंट को ड्रॉप करके शेल को उठा लें। कोई बात नहीं, अभी शेल को ऐसे फिर से उठाते हम और इनको मार देते एक बार। चलो अभी इन सबको मार भी देते हैं और जल्दी मर जाओ भाई। एक बचा है अभी, शेल मतलब डाल के फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि उठाता है नहीं उठाता। चलो भाई, ये उठाता ही नहीं है, मतलब अभी इनको मारना ही पड़ेगा। चलो फाइनली हमारे पास अभी मतलब फार्म तो वर्क कर रहा है अभी इजीली, और देखते भी कम हमको कब तक मिलता है कोई भी ट्राइडेंट। तो चलो गाइस, जब तक ट्राइडेंट नहीं मिलता तब तक मैं अभी वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलो गाइस, यहाँ पर एक ड्राउन आ चुका है ट्राइडेंट वाला, उसके बाद देखे ट्राई करते हैं। ये तो नहीं उठा रहा है, चलो तो इसको मार देते हैं। वो भाई साहब, इसने ट्राइडेंट ड्रॉप कर दिया, मतलब पूरी हेल्थ कम है पर ड्रॉप कर दिया भाई साहब। फाइनली हमारा फर्स्ट ट्राइडेंट तो आ चुका है, और अभी हमने शेल से भी ट्राई किया था पर उसने उठाया नहीं शेल। चलो फिर से एक बार ट्राई करेंगे। भाई साहब चलो, ओ मैंने एक बार ट्राई, देखो गाइस आई थिंक सो किसी ने तो ड्रॉप किया है ट्राइडेंट। अभी चलो इसको आपको मारते हैं यहाँ से और देखते हैं कि हमको मिलता है नहीं, मतलब ड्रॉप हुआ है नहीं हुआ। एक मिनट अभी देखते हैं। ओ गाइस, देख सकते हो हमको एक पूरा फुल हेल्थ वाला ट्राइडेंट मिल चुका है। और गाइस मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने क्रिएटिव से नहीं लिया है। देखो एक मिनट को इसको मैं एक बार मार देखती हूँ गाइस। और हाँ गाइस, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने क्रिएटिव से नहीं लिया है, ये वहाँ मतलब ऐसे वर्क करता है। और चलो अभी देखो, ओ यहाँ पर देखो एक आ चुका है, इसको ट्राई करके देखते हैं। गाइस आप देख सकते हो आपके आंखों के सामने एक और ड्रॉप हुआ ट्राइडेंट। चलो गाइस, हमारे पास दो दो ट्राइडेंट आ चुके हैं, वो भी फुल हेल्थ में। और ओ एक भाई साहब और एक आ गया, चलो अभी इसको भी एक बार देखते हैं। ओ गाइस, इसने भी ड्रॉप कर दिया भाई। अंडर 10 मिनट्स के अंदर ही हमको मतलब बहुत सारे ट्राइडेंट मिल चुके हैं। अगर आप और थोड़ा ग्राइंड करोगे आपको मतलब 1 घंटे के अंदर तो बहुत सारे ट्राइडेंट मिल जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट एक शलकर भर के ट्राइडेंट मिल जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि देख सकते हो गाइस, मेरे पास ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट क्या 5 ट्राइडेंट आ चुके हैं। उसमें से 2 ट्राइडेंट है जिनके हेल्थ कम है, और वही के 3 की हेल्थ जो है वो पूरी मैक्स हो चुके हैं, मतलब मैक्स है। और चलो भी सबको एक बार यहाँ से मार दे। और देख सकते हो ट्राइडेंट का जो डैमेज है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। चलो गाइस, अभी आज की इस वीडियो में रहते गाइस इतना ही। और हाँ गाइस, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। और चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।